फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू, मैं हूं आपका अपना राज बराज आपके सामने एक्सट्रीम 125R। और इसके अंदर मॉडिफिकेशन वो दिखाता हूं आपको बाद में, पहले दिखाऊंगा इसकी स्पेशलिटी के क्या है। ये गाड़ी देखो सीधा आई हमारे पास कहां से, पहले देखो इधर रीडिंग देख लो 14 किलोमीटर। इसका मतलब है कि आप लोगों का जो ट्रस्ट है ना, वो ऐसा ट्रस्ट है ना कि शोरूम से घर नहीं जाते, सीधा मत्था टेकते हैं हमारे यहाँ, जैसे कि भाई ने टेका। तो उसके लिए हैंड्स ऑफ आप सभी को भी, भाई को भी करूँगा बाद में। और अब दिखाता हूँ किसी ने मॉडिफिकेशन क्या क्या इसके अंदर किया गया है। सबसे पहले आपको देखने मिलेगा इसके अंदर वाइजर, जो कि इसमें इंस्टॉल कर दिया गया। वैसे भैया का जो मन था वो था 12 सिंगा का, बट क्या होता है 12 सिंगा थोड़ा सा अजीब उन लोगों को लगता है जिन लोगों को सिंपल सी है, तो इधर तक आता है वो। और इसके अंदर क्या पूरा आपको मीटर वगैरह सब कवर्ड हो जाता है, तो इसलिए इसके अंदर ये वाला वाइजर लुक ज़्यादा इन्हेंस होती है लगने का, तो ये इसके अंदर लगा दिया गया है। इधर आपको देखने मिलेगा नंबर प्लेट होल्डर, जो कि ये लगा दिए गए इसके अंदर, जिससे आपकी प्लेट हो जाती है पूरी तरीके से सेफ। और इसके बाद आपको मिलेगी इसके अंदर की कवर, ये भी इसके अंदर लगा दी गया, जो कि हमने भैया को गिफ्ट दिया है, बता देता हूँ पहले ही। इसके बाद आपको दिखाता हूँ इसके अंदर लीवर गार्ड, ये भी इसके अंदर लगा दिए गए हैं, क्योंकि लीवर गार्ड इसलिए हम लगाते हैं इसके अंदर, क्योंकि आपके लीवर और हैंड दोनों होते हैं पूरी तरीके सेफ। इस तरफ से भी सेम देखने मिलेगा आपको इस तरफ, और जब भी आप गाड़ी राइड करते हो हल्की सी भी टक्कर लगती है ना, तो आपके हैंड में प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि मेरे फिंगर में आज भी दर्द है एक बार लगी थी उसके बाद से। और इसके बाद आपको देखने मिलेगा नीचे ये शॉकर प्रोटेक्शन फॉक्स लैडर, जिससे आपका मडगार्ड शॉकर ये होता है सेफ। और रेड मैचिंग जो दी गई, भैया ने कहा मुझे रेड मैचिंग चाहिए, तो इसलिए ब्लैक एंड रेड की मैचिंग के लगा देंगे दोनों। तो ऊपर फॉर प्रोटेक्शन, नीचे लगा देंगे फॉक्स लैडर, जिससे आपका ABS प्लेट डिस्प्ले ये होती है सेफ, और लुक भी काफ़ी इनहेंस हो जाता है। इस तरफ भी सेम देखने मिलेगा आपको, इस तरफ लुक चेकआउट कर लो किस तरीके से इसकी आती है। और इधर आपको मिलती है इसकी विंगलेट, जो कि ये भी रेड कलर की लगा दी गई, लुक को इनहेंस करती है। ऐसा लगता है जैसे इसी को देख रहे हो, ये कट एक दो, ये कट देख लो और दो ये कट देख लो, ऐसा रहेगा कंपनी से ही छोटा कट बड़ा कट और एक ही बड़ा कट, तो वो लुक काफ़ी इनहेंस हो रही है इसे लगने के बाद। और इसके बाद आपको दिखाता हूँ इसके अंदर, ये इसका फुल बॉडी क्रैश गार्ड, जो कि इसके अंदर लगा दिया गया। फुल बॉडी क्रैश गार्ड लगाने का जो मोटिव होता है, आपका जो टैंक है TPFC है और खुद के लैग्स है, ये होते हैं सेफ। इस तरफ से भी सेम होता है इस तरफ, और मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग बना रहे हैं, लगा रहे हैं क्रैश गार्ड, बट वो कैसा है वो बता देता हूँ, वो ना इधर उधर से दिखाता हूँ। पकड़ो जैसे लगा रखा ना, ये देख रहो गाड़ी हिल रही है, वो गाड़ी नहीं लेगी, ये क्रैश गाड़ी पूरा हिल के नीचे आ जाएगा, और ज़्यादा उस पर जोर लगा देगा। और इसके अंदर जैसे कि बताते, देखो एक साइड खड़ी होकर दिखाता हूँ, ये लो देख रहे हो आप, ये एक साइड का कमाल है, अभी दोनों साइड हुआ भी मैं, तो ये होता है बेनिफिट हमारे यहाँ से लगवाने से, कि एक बार लगवा लोगे तो आपका लाइफ टाइम आपको टेंशन फ्री हो जाओगे, ना ही आपकी बाइक में कोई प्रॉब्लम होगी, ना ही आपके लैग्स में कोई प्रॉब्लम होने वाली है क्रैश गार्ड लगाने के बाद। फिटमेंट आपको चेकआउट करूँगा कैसी आती है, और जो आफ्टर मार्केट होता है उसकी फिटिंग बता दो कैसी होती है। देखो इसके अंदर फिटिंग है, एक फिटिंग मिलेगी इस तरफ, एक मिलेगी आपको इधर अंदर की तरफ देख सकते हो, और पूरा प्रॉपर एक मिलेगी आपको फ्रंट की तरफ। ये आपको फिटमेंट मिलते हो कुछ इस तरीके से, जो आपको आप देखते हो ना मार्केट वाला, उसके अंदर एक फिटिंग मिलेगी आपको इस तरफ पत्ती लगा के, एक पत्ती लगा के इस तरफ, एक पत्ती लगा के हर तरफ पत्ती पत्ती होगी, बिना पत्ती का नहीं होता, इसलिए वो कमज़ोर होता है। और इसके बाद आपको दिखाता हूँ इसके अंदर, देखिए ये इसका ब्रेक पैंडल एक्सटेंडर, जो कि इसके अंदर लगा, जैसे कि आपको पता है इसका ब्रेक पैंडल काफ़ी छोटा होता है, उसको एक्सटेंड करने के लिए इसमें लगा देगी आपका ब्रेक पैंडल एक्सटेंडर। और ये जो है प्रॉपर फिटिंग है, और जब भी ब्रेक मारते हैं ना पैर स्किड्स नहीं होगा इसे लगाने के बाद। और उस तरफ जाते हैं तो उस तरफ दिखाता हूँ आपको गियर शॉक्स, ये देखिए गियर शॉक्स है, ये भी इसके अंदर लगा दिए। गियर शॉक्स से आपका बेनिफिट होता है, शूज़ होता है ना वो कभी भी ख़राब नहीं होता है, जैसे शूज़ का कलर वैसे ही रहता है। और एक चीज़ और दिखाता हूँ, इसके अंदर हॉर्न भी लगा दिए गए हैं, जो कि मिलते हैं आपको मिंडा के ओरिजिनल। ये देखिए साउंड के जिस तरीके से इसकी, क्योंकि जो इसके अंदर हॉर्न आता है वो काफ़ी छोटा होता है, छोटा का मतलब होता है ये वाला साइज़ है, बट क्या होता है सिंगल होता है, बट ये डबल कर देगा मेल फीमेल, जैसे कि हाई लो पॉइंट है वो वाला, तो इसमें आपको साउंड मिलते हैं इक्वल। और साथ में मेरे फॉग लैंप, जो कि देख सकते हो ये भी लगा दी गई इसके अंदर, ये आपको मिलता है रेड डेविल के अंदर, क्योंकि आप देख सकते हो रेड डेविल हो गया, उसके बाद मिलेगा आपको वाइट, फिर मिलेगा येलो, फिर मिलेगा येलो वाइट, फिर मिलेगा ब्लिंकर्स, तो ये मिल जाते हैं इसके 4 to 5 पैटर्न, जो कि आपको इसके अंदर मिल जाते हैं इजीली। ये आपके मिनी ड्राइव विद डेविल, जो कि आपने देखी। और इसके बटन यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं CNC वाला, प्लास्टिक वाला बटन हम यूज़ नहीं करते इसके अंदर। और साथ में जो फॉग लैंप फिट होती है उसकी क्लैंप देख लो, काफ़ी हैवी क्लैंप्स होते हैं, और सारे जितने भी सामान है सारा अलग से आता है, फॉग लैंप अलग और बाकी सामान अलग। इधर आपको देखने मिलेगा इसका टैंक पैड, जो कि देख सकते हो ये लेटेस्ट वाला है, जो कि अभी रिसेंटली भैया के पहले ही लगाया भैया की बाइक के अंदर, पर्सनली बताऊँ मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी रिस्पॉन्स आगे देखें कि कैसा इसका रिस्पॉन्स होने वाला है। प्रोडक्शन कम्प्लीट, अब मिलाता हूँ भैया से, जिन भैया की बाइक है उनको फाइनली कैसा लगा, कैसा लगा आपको काम बताइए। बढ़िया भाई, बढ़िया लगा, बढ़िया काम है आपका, तो ऑल अबाउट सेटिस्फाइड है बिल्कुल। और आप जैसे बाइक बिल्कुल नई सीधा शोरूम से यहाँ लेकर, तो उसका कोई रीज़न भाई? मुझे आपकी तरह से मैंने आपकी वीडियोस देखी और आपके बारे में पता चला मुझे कि आप अच्छे हो, काफ़ी मतलब काफ़ी अच्छी मॉडिफिकेशन करते हो कम रेट में, इसलिए मैंने लिया आपके पास। तो आप सीधा मंदिर भी जाते हैं ना वैसे? मंदिर
मंदिर जाते हैं, घर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आप सीधा हमारे पास वो पूछना चाहता हूँ। शाम को करा लूँ भाई पूजा तो मैं, शाम को करा लेंगे, पहले पूरा गाड़ी हो जाए रेडी फिर कराएंगे घर पर तसल्ली से, है ना। अब लोग देखेंगे, देख के पूछेंगे भाई ये मॉडल कहाँ से आ गया इसके अंदर, ऐसा भी कुछ हो सकता है ना। ऐसा ही कुछ। चलो जी, थैंक यू सो मच आने के लिए। और हमारा कोई भाई बंधु आना चाहे तो क्या रिक्वेस्ट रहेगी आपकी? भाई बिल्कुल आओ, बिल्कुल आओ, चलो जी बिल्कुल आओ भाई साहब, थैंक यू सो मच सर। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस सब कुछ डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है, बाकी अगर कोई मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो तो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है 7827217114, ये मेरा पर्सनल नंबर है, जो कि आप चाहो तो कॉल कर सकते हो, जो भी क्वारीज हो बता सकते हो, पूछ सकते हो, मंगा सकते हो। तो वीडियो चलिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, राजभाई इसकड़ी को जो कि मिलता है आपको यूट्यूब पर भी, सेम मिलेगा आपको इंस्टाग्राम पर भी। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, जय मत दिन, गुड बाय।